आई थिंक आपको दिख रहा होगा ठीक से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर ब्रो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ झारखंड का सबसे बड़ा डैम, मतलब झारखंड का नहीं, नगर उटारी का सबसे बड़ा डैम। और अभी मैं फिलहाल गुम्बा खुर्द डैम के सामने हूँ और आप देख सकते हैं सामने रहा बहुत बड़ा डैम। सो गाइस, आई थिंक मैंने यहाँ का ब्लॉग दो बार शायद बना दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस ब्लॉग का लिंक जो है इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप जाके चेकआउट कीजिएगा और उसे भी देखिएगा और थोड़ा कंपेयर करके बताइएगा कि थोड़ा बहुत चेंजेस है कि नहीं। तो अभी जो है फिलहाल पानी काफ़ी कम है, पानी का जल स्तर जो है कम हो गया है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरा डैम का नज़ारा। तो गाइस, अभी हम फिलहाल डैम के बीचों बीच आ गए हैं और चलिए आगे आपको दिखाते हैं और इस डैम के खासियत के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं फिर आगे। तो गाइस, आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद बोटिंग भी किया जाता होगा, आपको मैं बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप नाव है, एक बार आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ठीक से। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आगे दिखाता हूँ और क्या क्या नज़ारे हैं, खूबसूरत नज़ारे। और गाइस, डैम में पानी बहुत कम है, यानी कि अभी का जो जल स्तर है बहुत कम हो गया है क्योंकि अभी बारिश का मौसम नहीं है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है। सो गाइस, एक समय का दौर हुआ करता था जब 1 ईयर पहले आए थे तो जहाँ पे चल रहे हैं ना वहाँ पे पानी हुआ करता था, बट अभी फिलहाल में नहीं है। और इधर आपको पीछे दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ से गांव में पानी सप्लाई किया जाता है। तो यही था बस आज के ब्लॉग में, बस इतना ही। आई होप आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा और अभी मेरे पास लेज है तो चलिए फिर इंजॉय करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।